जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आदि फैमिली ब्लॉग में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ किचन के लिए ऑर्गेनाइज़र। कितने भी ऑर्गेनाइज़र और आइटम बना लें, किचन में इतना सारा सामान होता है तो कमी पड़ जाती है फ्रेंड। और आज मैं छोटी मोटी चीज़ें आपकी यूज़फुल काम और किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें लेके आई हूँ। और किचन में इतना सारा सामान होता है और सामान को प्रॉपर तरीके से सही ढंग से रखना और मतलब सजाना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, टास्क होता है। तो ये सभी चीज़ों को रखने के लिए मैं आपके छोटे मोटे आइटम लेके आई हूँ आपके लिए और आपकी यूज़फुल। तो फ्रेंड देखिए, एंड तक का बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड, जब हम किचन में काम करते हैं तो हमें बार बार हाथ पोंछने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ हैंगिंग टॉवल। और हैंगिंग टॉवल इसलिए क्योंकि अगर हम हैंग कर देंगे उसको तो वो मतलब दिखने में भी अच्छा लगेगा, टंगा हुआ भी, और नीचे से जो हमारा स्पेस है वो भी कम नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए बना लेते हैं हैंगिंग टॉवल। ये देखिए जी, मैंने ले लिया, ये एक पुराना लोअर पड़ा हुआ था ख़राब, तो इसे मैंने काट लिया है। नीचे से ये हमारा सिला हुआ है, इसमें नीचे सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने 18 इंच ले लिया है, मतलब 18 इंच, तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है, ये देखिए। और इसको कट करने के बाद हम इसको अलग कर देंगे, जो साइड में सिलाई आती है जॉइंट वाली, तो इसको अलग कर देंगे। और नीचे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें से यहाँ से मैं कैंची की सहायता से इसको अलग कर दूँगी। और ये मतलब यहाँ से इससे सिलाई को हटाने के बाद ना, तो हम इसमें वो कर देंगे, पाइपिंग लगा देंगे इनमें दोनों साइडों में। नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है और दोनों साइड में इससे ही मिलते जुलते कपड़े की मैं पाइपिंग लगा दूँगी, जो दिखने में भी अच्छी लगेगी। और जैसे कि इसमें कॉफ़ी शेड है, मैरूम शेड है, तो कॉफ़ी शेड का कपड़ा रखा था मेरे पास, तो मैं उससे ही पाइपिंग लगा दूँगी इसमें। और इसमें इस तरह से चुन्नटे भर दूँगी और ये ऊपर हैंगिंग के लिए लग जाएगा फ्रंट। तो ये जो पट्टी है, जो हैंगिंग के लिए पट्टी लगाऊंगी, जो कुंडा सा बनाते हैं ना, तो उसको लगा देंगे। तो ये देखिए, साइडों के लिए मैं पट्टी उतार रही हूँ और ये पट्टियाँ दोनों साइड में लग जाएगी। ये देखिए जी, मैंने दोनों साइड के लिए पट्टियाँ उतार ली है, अभी मैं इसे बीच से कट कर दूंगी। तो दोनों साइड में हमारे पाइपिंग के लिए काफ़ी है और इसको मैं लगाना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को भी दिखाऊंगी किस तरह से इसमें पाइपिंग लगती है। तो इस पट्टी को ना हम दूरी करके और उल्टी साइड से लगा देंगे, फिर इसको सीधी साइड पलट के तो एक सिलाई और कर देंगे और बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये देखिए, इसको मैंने एक साइड में लगा दिया और एक साइड में मैंने ऐसे ही दूरी पट्टी है वो आप लोगों को दिखा दी, और इस दूरी वाले को सीधी की साइड में फोल्ड करके और ऐसे ही सिलाई लगा दो। तो ये देखिए, दोनों साइड में हमारे इसमें सिलाई लग चुकी है, पाइपिंग मैंने लगा दी है, चुनट भर दी है। तो अभी ऊपर हैंगिंग के लिए जो मैं कपड़ा लूँगी इसमें, तो उसको करूँगी मैं अभी। इसमें से कॉफ़ी कलर का मैं कपड़ा ले लूँगी हैंगिंग के लिए, जो बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में भी और इससे मिलता जुलता भी है हो जाएगा। तो इतना हम काट लेंगे डबल फोल्ड करके, क्योंकि आगे पीछे का दोनों साइड का हो जाएगा। तो इसको मैं कट कर दे रही हूँ और यहाँ पे मैं हैंगिंग वाला जो कुंडा है उसको भी अभी इसको लगाते टाइम इसी सिलाई में दबाना है हमको। तो जी, अभी मशीन की सहायता से कर लेते हैं मशीन पे। और ये कुंदा देखिए मैंने लगा दिया है, कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर हमारा, और कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ। बेकार पड़े हुए लोअर से, जो पुराने लोअर पड़े हुए थे, ख़राब भी हो रहा था ये, और तो मैंने इसका हैंगिंग टॉवल बना दिया किचन के लिए। और मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये काफ़ी पैसों में आ जाएगा, तो घर में हम फ्री में ही बना लेंगे। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जो मतलब किचन में और घर में काम आने वाली, जो ख़राब पड़े कपड़ों से और पुराने कपड़ों से हम बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे पास एक कपड़ा सूट का मतलब बचा हुआ कपड़ा पड़ा था, तो इसके मैं चकोर स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी, ये देखिए। और इसके नीचे दो कपड़े और लगा दूँगी। ये पैंट का पीस मैंने पहले कुछ आइटम बनाए थे ना, तो उसमें से बचा हुआ रखा था, तो इसे भी मैं इसके जितना ही ले लूँगी, जितना मैंने ये स्क्वायर शेप में काटा है इतना ही हम स्क्वायर शेप में ही पैंट का पीस काट लेंगे। और फिर पैंट का पीस जो है हमारा बीच की साइड में हो जाएगा, और नीचे हमारा जो शर्ट वाला कपड़ा पड़ा है जो मैंने उस दिन बैग बनाया था उसमें से बच गया था, तो नीचे वो लगा दूँगी। और बीच में ये थोड़ा मतलब मजबूत सा हो जाएगा और कैड़ा सा हो जाएगा, नरम सा नहीं रहने का। ये देखिए जी, यहाँ पे मैं उस साइड से मैं काट रही थी, मैं सोची थी कि इसे यहाँ से मत काटूँ, ये किसी और चीज़ में काम आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने इस साइड से ही काट दिया इसको। और ये इसके जितना ही काट दिया है, जितना हमने ये ऊपर वाला कपड़ा लिया था उतना ही ये काट दिया। अब ये शर्ट वाला कपड़ा और इसके ऊपर ही रख के, मतलब ये जो कपड़ा है शर्ट वाला नीचे करके और इसे ऊपर रख के, तो इसको भी इतने जितना ही काट लेंगे। और इसमें फिर चारों तरफ में हम सिलाई लगा देंगे फ्रेंड।
ये देखिए जी, तो हमारे तीनों पार्ट जो है कट के हो गए तैयार। जो हम इसमें लगाएंगे, मतलब शर्ट वाला नीचे रहेगा सबसे नीचे, और ऊपर पैंट वाला, फिर सबसे ऊपर जो हम वो प्रिंट वाला कपड़ा ले रहे थे ये हो। तो अभी इस इनको तीनों को एक जगह फैला के और अच्छे से सिलाई लगा देते हैं इनमें। और तो इनको सारों को एक साइड, मतलब चारों कोने दबाने हैं, चारों तरफ में सिलाई लगाने। तो अभी चलते हैं मशीन पर, लगा लेते हैं इनमें सिलाई सारों में और ये कर लेते हैं ऐसे। तो बीच में मैं करूँगी ये सीधा कपड़ा और चेक वाला ऊपर और पैंट वाला नीचे। फिर हम ना इसे थोड़ा सा बाकी छोड़ देंगे, इसे सीधा कर देंगे। देखो जी, चारों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है और अभी थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ दिया था, तो इसमें हम इसे सीधा कर लेंगे। तो सारी सिलाई हमारी अंदर ही दब जाएंगे, और जहाँ से मैंने बाहर निकाला है मतलब सीधा करा है, तो इसे भी अंदर के साइड को दबाते हुए सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए जी कितना अच्छे से सिल गया है, सफाई देखिए कितनी अच्छी आ रही है। तो फिनिशिंग से हो गया है, तो अभी इसको भी हम थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। और अभी ये मेरे पास लैस रखी हुई थी, तो उस लैस को हम चारों तरफ लगा देंगे। और ये देखिए कितना अच्छे से बनके तैयार हुआ। इसको आप एज ए मैट भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल वगैरह पे, स्टूल पे, और या काउंटर टॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर ग्लव्स, और इसको हम ग्लव्स तैयार करें अपने हाथ रख के, और उससे एक एक इंच फालतू ले लेंगे। और इसको कट करने के बाद इसमें अंदर की साइड, मतलब ये मोटा कपड़ा है, लोअर वाला कपड़ा है जो, तो इसमें अंदर की साइड फिर भी मैं पैंट वाला जो पीस है हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है तो उसे लगा दूंगी। जैसे कि हम गर्म बर्तन वगैरह भी उतारे गैस पे से, तो थोड़ा सा जलने का एहसास सा ना होगा, तो इसलिए थोड़ा मोटा सा कर दूंगी मैं। और वो तो आपकी इच्छा है इसको मतलब किस यूज़ में लेना है, और गैस वगैरह के यूज़ में भी आ सकता है, और डस्टिंग वगैरह के यूज़ में भी, जो आपका मन करे उस यूज़ में कर सकते हैं। और ये देखिए एक लोअर से मैंने कितने सारे आइटम बना दिए, और अभी एक साइड से लोअर बाकी पड़ा है, उससे भी हम कुछ ना कुछ आइटम ज़रूर बनाएंगे, और जब भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो फ्रेंड ये देखिए ये अच्छा सा शेप में बन के ग्लव्स हमारा तैयार हो गया है। तो अभी इस पर चारों तरफ मतलब पैंट का कपड़ा रख के और दूसरे कपड़े पे इसी तरह से इसी नाप से हम कट कर लेंगे, और फिर चारों तरफ से इसके सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए जी अभी हम पैंट वाले कपड़े को दूरा कर दिया है, दूरा फोल्ड कर दिया है। अब इसको कट कर लेंगे इसी के नाप में, और फिर इस पर चारों तरफ, इसमें ज़्यादा कुछ करने की वो नहीं है, बस चारों तरफ इसी नाप से सिलाई लग जाएगी और फिर इसको सीधा फोल्ड कर देंगे। इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है मतलब बाहरी काम, और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। और मार्केट में यही चीज़ें आपको काफ़ी प्राइस में मिल जाएगी। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है, अभी हम इसको सीधा कर लेते। तो सीधा करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी जल्दी से बनके तैयार हुआ। और ये जो बेकार चीज़ें हैं, बेकार कपड़े हैं, तो ये ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो काम भी आ जाएंगे और देखिए हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट लगा के हम घर में ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं यूज़फुल। और ये देखिए ये नीचे से जो ऐसे दिखाई दे रहा है, इसमें नीचे में मैं इलास्टिक लगाऊंगी फ्रेंड, और ऊपर से ही हो गया तैयार। तो मेरे पास ये ब्रिक वाली इलास्टिक रखी है, तो जो इसमें अंदर को तरफ को करके इसे फोल्ड कर दूँगी। और ये देखिए इलास्टिक लगने के बाद कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल रेडीमेड सही हो गया, और कपड़ा भी मोटा हो गया क्योंकि मैंने इसमें पैंट का पीस भी लगा दिया था अंदर। और ये देखिए कितने अच्छे से आप ओवन वगैरह का भी काम कर सकते हैं, गैस का, और मतलब डस्टिंग का, जो भी आपका मन करे आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए जी अभी जो उस लोअर में से एक साइड के हिस्से में से मैंने हैंगिंग टॉवल बनाया है और ग्लव्स बनाया, और ये जो स्क्वायर शेप में कपड़ा बचा हुआ था इसका भी मैंने वो बना दिया है। और ये एक छोटा सा मैंने मैट बनाया है, इस पर मतलब पोट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर।